हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज है वेनेसडे और सुबह मैं नहा ली हूँ, सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं नाश्ता बनाने के लिए आई हूँ, तो आज नाश्ते में बना रही हूँ पराठे। तो दीशु को फटाफट ना पराठे खिला दूँगी, उसके बाद मैं उसे रेडी कराऊँगी स्कूल के लिए। तो चलिए फटाफट से मैं नाश्ता बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, दीसू को नाश्ता करा दिया है मैंने, तो अभी उसे रेडी कर रही हूँ। तो फटाफट उसे रेडी कर लेती हूँ। तो ये लग रहा होगा कि मैं उसे ना बहुत ज़ोर से क्रीम लगा दे रही हूँ, पर मैंने ना वीडियो का स्पीड थोड़ा बढ़ाया हुआ है, तो इसीलिए फास्ट दिखाता है ना। तो लग रहा है कि मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से उसे क्रीम लगा दे रही हूँ। देखिए अभी दिशु की एक्टिंग, तो अभी वो पुष्पा बनेगी। ये देखिए पुष्पा की डायलॉग बोल रही है। तो अभी मैं उसे दो चोटी बना दूंगी। तो दो चोटी मैंने उसे बांध दी थी, उसके बाद उसने फिर से मुझसे खुलवा के बोली है कि आज दो चोटी नहीं बांधूंगी, खोल दीजिए खोल दीजिए। तो फिर उसे मैंने एक चोटी बांध कर दी है। तो आजकल के बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं। तो आज है वेनसडे और अभी अभी मैं दिशु को स्कूल छोड़ कर आई हूँ। तो दो तीन दिन से तबीयत ठीक नहीं था, एक्चुअली गैस हुआ था तो चक्कर आ रहे थे और अजीब सा फील हो रहा था, कुछ करने का दिल नहीं था। तो कल ना तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई, मुझे खाना बनाने में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे तैसे कल मैंने खाना बनाया है, उसके बाद कल दिशु को नहा भी नहीं दी हूँ। एकदम मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ करूँ। बहुत मुश्किल से दिशु को लेकर आई घर स्कूल से, क्योंकि और कोई है नहीं लाने वाला, तो मुझे ही जाना पड़ता है। तो उसे लेकर आई, तो कल शाम को दिशु के पापा दवाई ला कर दे थे गैस की, तो वो खाई तो थोड़ा आराम है। तो अभी मैं जाऊँगी सब्जी वगैरह काट लूँगी, और उसके बाद बारिश हो रही है पर गर्मी वैसे ही है। तो अभी छोड़ कर आई हूँ ना, तो फटाफट आई हूँ इसीलिए और भी थोड़ा गर्मी लग रही है। तो ये देखिए बारिश हो रही है और यहाँ पर दिशु का रेनकोट सूख रहा है। उससे अगर वो ड्रेस थोड़ा भी भीग जाए ना, तो वो पहन कर स्कूल वो रोने लगती है कि मेरा ड्रेस भीग गया ड्रेस भीग गया। थोड़ा भी अगर दो तीन छींटा लग जाए बारिश का, इसीलिए उसके लिए रेनकोट उसके पापा ने ख़रीद दिया है। वॉक मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि अभी पापा जाते हैं। तो तीन दिन गई, उसके बाद से फिर पापा सुबह घूमने के लिए चले जाते हैं, तो दिशु अकेली हो जाती है, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। क्योंकि दिशु के पापा चले जाते हैं, फिर पापा भी चले जाते हैं, तो फिर दिशु को अकेला घर में छोड़कर जाने का मन नहीं करता है। वो कब उठ जाएगी, अकेली रहेगी, तो इसीलिए तो अब देखती हूँ कब फिर से वॉक पर जा पाती हूँ। तो फ्रेंड्स, दोपहर को मैंने कुछ ऐसा सूट नहीं किया है, तो लंच हमने कर लिया है। तो ये मैं अभी बर्तन साफ़ कर लूँगी और किचन मैंने पूरी अच्छे तरीके से साफ़ कर ली है। तो जब आपकी तबीयत ख़राब रहती है ना, कुछ करने का मन नहीं करता है, तो ऐसा लगता है कि कोई अगर थोड़ी सी हेल्प करा दे तो बहुत ईजी रहता है। तो यही होता है जो घर में ना अकेली औरत एक अकेली रहती है, तो उसे बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो बाकी का दिन तो कुछ पता ही नहीं चलता है, सुबह उठते ही काम शुरू।
तो जब तबीयत खराब होती है तब मुझे भी ना बहुत मेरे मायके की याद आती है। तो फ्रेंड्स, बर्तन धोने के बाद 2:30 बजे करीब मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद तो रेस्ट, फिर शाम को ही काम मेरा शुरू होता है, जो शाम का काम वाम रहता है वो सब। तो और कभी जब सिलाई का वीडियो बनाना होता है तो ही बिज़ी रहती हूँ, फिर 3 बजे से वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में।